मालिक ने चाहा और जीतेंगे दो साल के घटनाक्रम पर आप क्या बेगुनाह इंसान जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, 4 बार सरकार में मंत्री रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, वो भैंस चोरी और मुर्गी चोरी के मुकदमों में जेल में बंद है। एक ऐसे मुकदमे में जेल में बंद है जिसमें 8 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, लेकिन आजम खान साहब 1.5 साल से उस मुकदमे में जेल में है। उम्मीद है न्यायालय साफ करेगा। विधानसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी तो आप जेल के अंदर थे, आपने जेल से खबरें सुनी होंगी कि कई दिनों से अखिलेश जी का गठबंधन हो गया जेल के अंदर, बाहर के माहौल की सबसे ज्यादा जेल में जो भी कुछ बाहर होता है, क्योंकि जेल के लोग भी तो बाहर से ही अंदर आते हैं, और जब बेगुनाह लोग फर्जी मुकदमों में फंस कर आते थे और वहीं जेल में मिला करते थे, तो ये कहते थे कि बस 10 मार्च का इंतजार करो, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा 200%। आजम जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं, अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं, तो खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने, बेरोजगारों की, नौजवानों की आवाज बने। अब्दुल्ला आजम, अब्दुल्ला आजम, अब्दुल्ला आजम, जिंदाबाद, जिंदाबाद आजम खान, जिंदाबाद। ये कह रहे कि अब दोबारा बहुमत से सरकार बनेंगे। अब आपके साथ स्वामी जी आ गए हैं, क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, जलाधार के नेता हैं, जमीनी नेता हैं, उनके आने से फायदा होगा। और वो क्यों आए? क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत प्रताड़ित किया गया है, फर्जी मुकदमों में फंसा गया है, आरक्षण रद्द किया गया, और वो भर्तियों के लिए जब मांग करने गए और अपने आरक्षण की मांग करने गए तो लाठीचार्ज हुआ। भैया भाजपा कह रही है कि ज्यादा नाव पर जब सवारी हो जाती है।